सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन के लिए हमने बुकरम ली है। उसकी लंबाई है वो 12.5 है, चौड़ाई है वो है 10 इंच। अब हम इसको डबल करेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे वो 2.5 इंच की लेंगे। पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अब हमने ये बुकरम जो चौड़ाई भी ली है वो 1.5 इंच की चौड़ाई ली है, बुकरम की 2.5 इंच की गले की चौड़ाई ली है। अब इसके लिए हमें एक सुई यहाँ पे लगानी है। अब हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब हम कपड़े को दबा के सिलाई लगाएंगे। कपड़े को काटेंगे। अब हम इसको बराबर करके बीच में निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें पीछे वाले पल्लव पे बीच में निशान लगाना है बराबर करके। अब हम ये कपड़े को उल्टे के ऊपर रखेंगे, ये हमारा उल्टा है। इसके ऊपर हमें बराबर बीच में ये निशानों को मिलाना है। अब हमें बुकरम के नीचे सिलाई लगानी है। अब हमें बीच का कपड़ा काटेंगे। यहाँ पे हम कैंची लगा लेंगे जहाँ हमारी गोलाई है। अब हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ से हम इसकी पाइपिंग बनाएंगे। तो इसको हमें इस तरीके से बाहर की लंग ये कपड़े को निकालना है जिससे पाइपिंग बन जाए। और यहाँ पे सिलाई लगानी है पाइपिंग के नीचे। अब हम इसमें पाइप लगाएंगे यहाँ से।
पाइपिंग के बीच में हमें धागे को दबाएंगे। इसके नीचे हमें पाइपिंग दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हमने 3 इंच की लंबाई 3 इंच की लंबाई ली है और पहले हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें पाइपिंग के बीच में लगानी है जिससे सिलाई हमारी दिखे ना। ये बन गई हमारे ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।